मैं गुलशन सिंह और आज हम करने वाले हैं आपके सामने फ्रॉस्टिंग कैप के हेयर हाइलाइट्स फॉर बॉयज, ठीक है, हाई हेयर स्टिक्स जिसको बोलते हैं। और हम फ्रॉस्टिंग कैप की मदद से जो है हेयर्स को जो है छोटे छोटे होल्स के बीच में से कैरोसिया की मदद से जो है हम इसको हेयर्स को बाहर निकालते हैं और इसके थ्रू में हम लोग हेयर स्टिक्स करते हैं। तो आज का जो हमारा ये पैटर्न है ये बहुत ईजी पैटर्न है बॉयज की स्टिक्स के लिए। हमने हेयर जितने भी हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है निकाल लिए और अब हम इसके ऊपर जो है कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कोई भी जो हाईलाइटेड कलर होता है हमारे इंडियन हेयर्स के अकॉर्डिंग, या फिर हम इसके ऊपर प्री लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं प्रोसीजर भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर फॉइल पेपर रखकर जो है कलर के हीटिंग का टाइम देंगे, जिससे कलर जो है चेंज हो जाता है, इससे आपको लेवल से फिल कर लेता है। उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ। होल्स में से जो है हेयर के अकॉर्डिंग अगर क्लाइंट की नीड है कि वो सिर्फ एक साइड में स्टिक से आता है तो उसमें हम सिर्फ वन साइड उसको जो है स्टिक्स दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी स्टिक्स वो मांगते हैं। अगर वो ग्लोबल बोलता है तो हम पूरे हेड के जितने भी होल हैं उसमें से हम स्टिक्स हेयर्स निकाल के उनको जो है कलर दे सकते हैं। वैसे तो जो नेचुरल कलर है क्लाइंट का उसके साथ मिक्स मैच हो जाता है कलर आपका और उसके साथ जो है आपका फैशन स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको इस फ्रॉस्टिंग कैप के थ्रू कैसा भी कलर दे सकते हैं, चाहे वो डेमी परमानेंट हो परमानेंट कलर, ठीक है। एंड इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कलर मिक्सिंग कैसे करनी है और उसके बाद कलर अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स आज हम इसके ऊपर जो केमिकल मिक्स करके लगाने वाले हैं हेयर लाइटनर और प्री लाइटनर जिसको ब्लॉन्डर बोलते हैं उसको कैसे मिक्स करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास इस टाइम है 30 वॉल्यूम मैट्रिक्स का जो डेवलपर है Thank you.
Thank you.